हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम आपको काफ़ी कुछ पढ़ाने वाले हैं, जैसे एग्रीकल्चर किस तरीके का था, इंडस्ट्री किस तरीके की थी, फॉरेन ट्रेड किस तरीके का था। तो अगर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अंग्रेज आने से पहले इंडिपेंडेंट थी। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन, हालांकि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे मेन जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स था, और साथ ही साथ आप ये देखिए यहाँ पे कई तरीके की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी होती रही है भारत में अंग्रेज आने से पहले। इंडिया जो है वो स्किल टेक्सटाइल में, ठीक है, इसके अलावा स्टोन में और हैंडीक्राफ्ट में कई जगह इतना आगे था कि वो अपना जो माल है वो विदेशों को बेचता भी था। लेकिन जो कॉलिजन पीरियड है, यानी कि जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट आई, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उन्होंने इस तरीके की पॉलिसी अपनाई जिससे इंडियन इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरी की पूरे चैप्टर में। तो बेसिकली जो, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, भारत में से जो फाइनल गुड्स है, या अब सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, भारत से क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल है वो तो यहाँ से ले जाते थे, और जो बचा हुआ जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे वो सेल करते थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो GDP है वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे को ज़्यादातर पैसा जो है वो फॉरेन जो पेमेंट है उसमें खर्च करना पड़ता था। हालांकि हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में था, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार डेफिसिट में रहा था। बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ट्रेड का मतलब, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है केवल गुड्स के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है सभी चीज़ों के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से। तो भारत का जो ट्रेड था वो सरप्लस में था, इसका मतलब भारत गुड्स ज़्यादा बेचता था, लेकिन सर्विसेज और जो फाइनल गुड्स है वो इतनी ज़्यादा खरीदता था कि भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में रहा। तो हालांकि जो अंग्रेजी पीरियड है, यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उन्होंने भारत की जो नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन इंडिविजुअल लोगों ने प्रयास किए, जिसमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। दादाभाई नौरोजी हैं, ठीक है, और फिडले सिराज हैं, VKRV राव हैं, RD देसाई हैं। तो इन सब लोगों ने क्या किया, GDP को और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम किया। और इसमें आप देखिएगा कि जो आउटपुट है या GDP है उसका लेवल काफ़ी कम था। मोस्ट स्टडी डिड फाइंड दैट कंट्रीज ग्रोथ ऑन एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया में जो GDP की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम थी, साथ ही साथ पर कैपिटल इनकम भी लगभग 0.5% रहा है। तो जो GDP ग्रोथ है वो 2% और पर कैपिटल इनकम 0.5%, इससे ये पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी एक तरीके से स्टैग्नेशन में थी, एक तरीके से दलदल में फंसी हुई थी एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट पीरियड। तो बच्चों, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम ये समझना चाहें कि एग्रीकल्चर की कंडीशन किस तरीके की थी, तो एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी थी। देखिए, सिंपल सा समझ लीजिए कि लो प्रोडक्टिविटी थी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि लगभग 85% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती थी जिनका, भारत में, और जिनका जो मेन फंक्शन था जीवन जीने के लिए, जिनको सोर्स था, वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। यानी कि वो एग्रीकल्चर में रहकर ही अपने सारी इनकम अर्न कर रहे थे, सारा जीवन चल रहा था उनका। इस समय जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम था और प्रोडक्टिविटी का भी काफ़ी लो थी जिस समय इंडिया, क्योंकि देखिए ना तो इंडिया के पास इक्विपमेंट थे ना फर्टिलाइजर थे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क है। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर हेक्टेयर आउटपुट। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आप मान लीजिए दिन में 100 शर्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्शन हो गया। लेकिन 100 शर्ट बनाने के लिए कितने घंटे यूज़ करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति हो सकता है कि 100 शर्ट बनाने में 25 घंटे यूज़ कर रहा हो, दूसरा व्यक्ति हो सकता, सॉरी 25 घंटे तो होते ही नहीं है, मतलब 4 घंटे यूज़ कर रहा हो तो 25 शर्ट वो पर घंटे बना रहा है, और एक व्यक्ति हो सकता है कि 1900 शर्ट बनाने के लिए 10 घंटे यूज़ कर रहा हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी 10 है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर हेक्टेयर आउटपुट है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में प्रोडक्टिविटी भी कम थी, प्रोडक्शन भी कम था, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो रही है, यानी कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर का सेक्टर की सबसे जो बैकवर्डनेस, या आप कह सकते हो लो प्रोडक्टिविटी की जो दो वजह रही हैं, उनमें से पहला तो है कि स्टैग्नेशन की जो वजह है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली वजह है वो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और दूसरा जो है वो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो बच्चों, लैंड सेटलमेंट सिस्टम में भारत में 3 तरीके के सिस्टम थे, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महारवाड़ी, ठीक है, जमींदारी, महारवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो देखिए, अलग अलग जगह पर ही अलग अलग सिस्टम रहे हैं, जमींदारी सिस्टम, महारवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो जमींदारी सिस्टम ने पहुंचाया। जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ करता था कि गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जिस जो कि जमीन का मालिक तो नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि सारी जमीन आपकी, आप गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराओगे और आप जितना मर्जी चाहे टैक्स किसानों से वसूल सकते हो। तो एक तरीके से उसने किसानों को स्थिति सुधारने में तो कोई रोल प्ले नहीं किया, सिर्फ उसका फक्सफ उसका जो मेन उद्देश्य था वो था ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलना लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में किसानों से। तो इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा जो सिस्टम है यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि बड़ा हिस्सा तो गवर्नमेंट ही ले लेती थी जमींदारों से। यानी कि इस केस में जो जमींदारी प्रथा है यानी कि जमींदारी सिस्टम है उसने किसानों का जबरदस्त शोषण किया, और इस शोषण का रिजल्ट ये हुआ कि जो GDP है या आप कह सकते हो कि जो आउटपुट है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो काफ़ी लो लेवल पे नीचे बना रहा। इसके अलावा बच्चों दूसरा जो पॉइंट है जो हमें समझना है वो है फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर रहा है वो इस तरीके का रहा है कि हम खुद अपने लिए बनाते थे, हम गेहूँ भी बना रहे हैं, चावल भी बना रहे हैं, दालें भी बना रहे हैं, जो हमारी ज़रूरत है वो बना रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो बचता था उसे हम बेचते थे। लेकिन कमर्शलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ कि किसानों को व्यवस्था किया गया कि वो नील की खेती करें, कपास की खेती करें या उस तरीके की खेती करें जिससे कैश क्रॉप का मतलब क्या हुआ कि आपको सामान बेचना है, अपना फसल बेचनी है और आपको कैश मिलेगा, और उस कैश के बदले आप उन्हीं चीज़ों को खरीदते होगे जिनको आप बनाते थे, जैसे चावल दाल। यानी कि जो भारत की किसी थी कृषि थी कन्वेंशनल सब्सटेंस क्रॉप थी, उनकी जगह पर अब कमर्शलाइज क्रॉप ने शिफ्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो छोटे किसान हैं और जो मीडियम किसान हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ, और जो किसानी है वो एक तरीके से पूरी की पूरी कमर्शलाइज हो गई। तो इन दो सिस्टमों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया इंडियन एग्रीकल्चर को, जिसकी वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो एक तरीके से स्टैग्नेशन को प्राप्त कर गया। स्टैग्नेशन का मतलब है जो ग्रोथ ऑफ GDP है वो काफ़ी कम हो गई ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो नेग्लिजिबल हो गई, काफ़ी ज़्यादा सीरो हो गई। इसके अलावा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट जो एग्रीकल्चर का जो मेन सोर्स था वो था मेन सोर्स जो था वो था रेन, यानी कि जो रेन जो होकर अच्छी होगी तो आप एग्रीकल्चर अच्छा कर पाओगे, रेन अच्छी नहीं होगी तो एग्रीकल्चर भी खराब हो गया। बजट जो ब्रिटिश रूल थे उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया कि कोई परमानेंट इरिगेशन का जो कोई सेटअप बिठा सके, ना कि उन्होंने वॉल बनाने की, वेल्स बनाने की बात की, ना कैनन की बात की। तो एग्रीकल्चर जो रहा है इंडियन इकोनॉमी का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन रहा, उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन थे। ठीक है, अच्छी बरसात का मतलब अच्छा आउटपुट, कम बरसात का मतलब कम आउटपुट। इसके अलावा बच्चों लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन रहा है। लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन देखिए क्यों रहा है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगा जब इनकम होगी, इनकम का सेव होगा, सेव को इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम काफ़ी कम थी और जो इनकम थी उसको ले जाते थे जमींदार काफ़ी टैक्स रेवेन्यू के रूप में, तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन जो था वो काफ़ी कम था। कैपिटल फॉर्मेशन कम होने की वजह से जो आउटपुट रहा है वो भी कम रहा है, क्योंकि जो ब्रिटिश थे जो ऑनर थे जमींदारों को उन्होंने बना दिया, उन्होंने लैंड को सुधारने में या एग्रीकल्चर इनपुट को सुधारने में कोई रोल प्ले नहीं किया। इसके अलावा बच्चों एक और प्रॉब्लम रही है इंडियन एग्रीकल्चर की, वो है सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग। जैसा कि आप जानते हो कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लैंड जो है वो डिवाइड हो जाती है बच्चों में, तो कई सारे सब होल्ड हो गए। यानी कि एक जमीन मान लीजिए 100 हेक्टेयर जमीन है और 10 बच्चे हुए या 5 बच्चे हुए तो वो डिवाइड हो जाएंगे, फिर उनके बच्चों में वो डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इस सब होल्डिंग से क्या होता है, काफ़ी सारी जमीन जो है एक तो बाउंड्री बनाने में चली जाती है, इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको आप यूज़ नहीं कर पाते। तो इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि जो टोटल आउटपुट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की वो काफ़ी कम हो गई। तो इस तरीके से बच्चों हमें पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल वो काफ़ी ख़राब थी। अगली वीडियो में बच्चों हम आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति किस तरीके की थी। इस वीडियो में बच्चों इतना ही हम आपको करा रहे हैं, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।